हेलो, मैं हूँ रंगीली रुचि एंड वेलकम टू बॉलीवुड कैफे। यहाँ मिलेंगे आपको बॉलीवुड की सबसे फ्रेश और कड़क खबरें, जस्ट लाइक माय कड़क कप ऑफ कॉफी। तो शुरू हो जाए। अमिताभ अपने देश को बनाना चाहते हैं विदेश की तरह। रिसेंटली वो एक रोड सेफ्टी इवेंट में मुंबई ट्रैफिक पुलिस को हेलमेट देते हुए नजर आए। अमिताभ बच्चन जी का कहना है कि व्हेनेवर आई गो टू अ फॉरेन नेशन आई गेट टू नो हाउ प्रोग्रेसिव दैट नेशन इज बाय लुकिंग एट द ट्रैफिक सिस्टम इन प्लेस। आई थिंक आवर नेशन शुड गिव आउट द सेम फीलिंग टू एवरी फॉरेन गेस्ट हु विजिट्स इंडिया। लेट्स होप आपको सुनके लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दे। कटरीना है मीडिया से खफा और इसका रीजन कोई और नहीं बल्कि रणबीर कपूर है। रिसेंटली फैंटम के प्रमोशन के टाइम पे मीडिया ने उन्हें रणबीर की गर्लफ्रेंड करके एड्रेस किया और उसे कटरीना हो गई खफा। उनका कहना है दैट शी हैज अर्न हर स्ट्राइप्स एज अ बॉलीवुड सुपरस्टार एंड शी हैज आल्सो मेड इट टू मैडम तुसाद्स एंड ऑल दिस हैज नथिंग टू डू विद हु शी इज डेटिंग। सही कहा कटरीना। कोंकणा और रणवीर शौर्य बनने जा रहे हैं अच्छे दोस्त। क्या क्या क्या? Yes, they were married, but now they have decided to split up. Konkana ne tweet kiya, Ranveer and I have mutually decided to split up, but will continue to be friends and co-parent our son. Will appreciate your support. Thank you. Finally, Konkana ne married life se thak ke Ranveer ko keh hi diya, Atithi, tum ab jao. तो ये था बॉलीवुड कैफे का आज का एडिशन। मैं हूँ रंगीली रुचि और ऐसी ही मजेदार मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी।